आज हम एक डिश बना रहे हैं, मुर्ग साग मखनी। मुर्गी भी है इसमें अंदर, साग भी है इसमें, मक्खन भी है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा घी, देसी घी, पहले खाने बनते ही देसी घी में। अच्छा, हमने क्या ऐड किया, फिर हम कॉल इसमें लौंग है, लौंग है इसके अंदर और तेज पाते और इसमें इलायची। अब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है, साथ ये इसमें, हाँ साथ में ही सारे मसाले करेंगे। और इसमें हम अपना प्याज है वो भी इसमें शामिल करेंगे अच्छी तरह, और साथ में इसको अच्छे तरीके थोड़ा भुनेंगे, उसके बाद ताकि मसाले डालेंगे बाद में। टमाटर भी गल गए, बाकी मसाले में इसमें ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर है वो भी इसमें ऐड करेंगे हम, और नमक जो है हद में ज़रूरत वो भी इसमें हम शामिल करेंगे, और इसके अलावा लाल मिर्च है जो एक चम्मच वो भी इसमें हम शामिल करेंगे, बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे इसी तरह। मुर्ग मखनी साग, अच्छा हाँ, अभी जो है इसमें चिकन डाल दिया इसके अंदर, और साथ में हमने इसमें साग भी डाल दिया। और साग को हमने कैसे प्रिपेयर किया? इसको पहले हम बॉईल किया, ठीक है, ओके। बॉईल करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करके फिर इसको हमने, और क्या साग था हमारे पास, ये सरसों का साग। अभी पिसा हुआ गर्म मसाला वो भी इसमें हमने शामिल कर लिया इसके अंदर, मलाई है वो भी इसमें शामिल करेंगे, मक्खन है और केवड़ा वाटर आखिर में इसमें शामिल करेंगे। हमारी जो है ना मुर्ग साग मखनी जो है वो भी तकरीबन इसको हमने भून लिया अच्छे तरीके से, तो इसकी खुशबू भी आ रही है, और बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे हम। सबसे पहले इसमें जो मैंने प्याज ये थे ब्राउन किए हुए वो भी इसमें डालूंगा इसके अंदर, पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच है वो इसमें शामिल किए हैं, और ये काजू है और अपना 4 मगज़ 2-2 चम्मच इनकी पेस्ट है वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। बड़ी हैवी डिश है, मज़ेदार किस्म की डिश है। ये मक्खन है वो भी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तकरीबन वो है, साथ में इसमें केवड़ा वाटर है वो भी हमें इसमें 1 चम्मच वो भी इसमें शामिल करना था। ये सारी चीज़ें इसमें हमने शामिल की हैं, इसको थोड़ा और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये मज़े की डिश है, बड़ी हैवी है,